देखिए सरासर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है और बेवकूफ बनाने वाला काम है। पिछले दो साल से सरकार जो है उसे समझ नहीं आ रहा कि हमने करना है। दिशाहीन सरकार है, बिना वजह की नई नई योजनाएं बना रहे हैं जो जनता के गले नहीं उतर रही हैं, और सरकार में अधिकारी भी पशु पेशने के हम करें तो करेंगे। दोषी उन्होंने हमारे ऊपर झूठी FIR की है, उन्होंने अभी कोई दोषी हम पाए नहीं गए हैं कि दोषी हैं। अब कुछ भी ये बोल दें, अगर संजय बस्ती जी और भुवनेश्वर गौर जी की एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज कर दी है, प्रदेश में दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं, उनकी क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में स्पीकर से आखिर माफी मांगने की बात भाजपा विधायकों ने क्यों कही। खुद इंद्रदत्त लखनपाल हमारे साथ हैं। सर, स्पीकर से आज आपने माफी मांगने की बात कही, स्पीकर ने कहा कि विधानसभा के अंदर मेरा प्रेरोगेटिव अलग है और विधानसभा के बाहर मेरा प्रेरोगेटिव अलग है, आप अब माफी की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस समय लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव चल रहे थे तो माननीय स्पीकर महोदय ने एक जनसभा के अंदर, एक बैठक के अंदर ये शब्द कहे कि 6 निष्कासित विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी से, उनके हमने सर कलम कर दिए और मैंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को बचा लिया। और दूसरे उन्होंने कहा कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनके सर आरे के नीचे हैं और जल्द ही उनके भी सर कलम कर दिए जाएंगे और वो भी तड़फ रहे हैं। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया जो एक सभ्य भाषा का, जो एक माननीय स्पीकर महोदय ने प्रयोग किया, उसका हमने रोष व्यक्त किया सदन के अंदर कि उनको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने सदन के अंदर आज कहा कि मैं सदन के अंदर मेरा अधिकार कुछ और है और सदन के बाहर मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो ये एक कोई अटपटा सा जवाब उन्होंने दिया। और देखिए, जो एक संवैधानिक पद पर होता है व्यक्ति, वो कुछ दूसरे शब्दों में भी इसको बोल सकता था। ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी कि हमने सर कलम कर दिए। सर किसके कलम हुए? सब जिंदा है, जिंदा प्राणी घूम रहे हैं, 3 विधायक हम जीत कर आ गए हैं, किसके सर कलम हुए? क्या बताना चाहते थे? क्या वो खूनी है, मर्डरर है? क्या वो विधानसभा के अंदर स्पीकर हैं और बाहर है उस मर्डरर हैं? उन्होंने तो साफ सदन में भी कहा कि माफी तो नहीं मांगी जाएगी, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो भाजपा का नेक्स्ट स्टेप क्या? वो माफी मांगे या ना मांगे, हमारा उनसे अपना विरोध प्रकट करना, दर्ज कराना हमारा दायित्व बनता था कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे विधायकों का ही नहीं आम जनता के अंदर भी गलत संदेश जाए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, और इस तरह की भाषा बोलना वो ये दर्शाता है कि उनको बहुत अति घमंड हो गया है। आज पूरे देश में किसी भी स्पीकर ने इस तरह का व्यवहार ना किया होगा, ना ऐसी टिप्पणी की होगी। स्पीकर की कार्यप्रणाली पर भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए, आप भी क्या उसी मत पर सहमत हैं या फिर आपका अलग मत है? बिल्कुल, देखिए, जो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो उनका मत रहेगा उनके साथ हमारा भी मत रहेगा, एक जैसा रहेगा, उसमें दो राय तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जो आज उन्होंने किया सदन के अंदर, ये कहा कि मैं सदन के अंदर मेरे अधिकार कुछ हैं और सदन के बाहर कुछ हैं, इसका मतलब कि आप सदन के अंदर एक संवैधानिक पद पर हैं और जैसे ही आप सदन के बाहर निकलते हैं तो आप किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, तो इसका तो यही मतलब हुआ। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा भी हमारे साथ हैं। आशीष जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी ये कहा कि आप लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, आप लोगों को घंटे घंटे पूछताछ आप लोगों से की जा रही है, आपको नहीं लगता वो तो पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम कर रही है? देखिए, पुलिस अपना काम करे, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है इसके ऊपर भी सदन के अंदर चर्चा हुई और अभी आगे भी होनी है, उसमें भी हम अपना जो भी सदन के भीतर रखेंगे जो भी बातें हैं। लेकिन एक सोचने वाला विषय है कि आप जो भी पूछताछ करनी है, आप केवल आपका सिर्फ इतना लक्ष्य है कि विधायकों को बुलाना है और बैठा के रखना है, तो वो कोई उचित बात नहीं। हमको बच्चे पूछा कुछ नहीं, पूछा गया, उसका जवाब दे चुके, अब एक ही जवाब 20 बार वही रिपीट करूं तो वो कोई बदल तो नहीं जाएगा। वो तो उनको समझना चाहिए, जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको समझना चाहिए, वो आगे से डायरेक्शन देते हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ से, मेरा चुनाव चला हुआ था जिस समय, चुनाव के समय मैं, मुझे जब बुलाया गया यहाँ पे और जब मैंने उनसे समय भी मांगा कि मुझे समय दे दीजिए, बोला गया नहीं आपको आना पड़ेगा। इलेक्शन के दौरान मैं यहाँ पे आया, मुझसे जो प्रश्न पूछे गए 11 बजे का समय दिया, समय अनुसार मैं पहुंचा, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब दिया, जब इंक्वायरी हो गई मैं वापस चला, आधे रास्ते से मुझे बोला कि आप फिर से आइए नहीं तो कल भी आपको आना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? क्या वो नहीं अपनी कार्यप्रणाली को जानते? किसी विधायक का जो समय है वो जरूरी नहीं है? क्या उन्हीं का ही समय है? सरकार का पक्ष तो ये भी है कि दोषी तो आप लोग भी हैं, क्योंकि दोषी उन्होंने हमारे ऊपर झूठी FIR की हैं, उन्होंने अभी कोई दोषी हम पाए नहीं गए हैं कि दोषी हैं। अब कुछ भी ये बोल दें, अगर संजय बस्ती जी और भुवनेश्वर गौर जी की एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज कर दी है, प्रदेश में दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं, उनकी क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं ये लोग बिजनेस और CID से? क्यों उन चीजों को नहीं लोगों के समक्ष यहां पे रोना डाल रहे हैं कि हमने एक साल दो महीने की अपनी सैलरी जो है वो दे दी है? क्या लोगों को, पूरे प्रदेश को भ्रमित किया जा रहा है और मूर्ख बनाया जा रहा है सबको? क्या ये कर रहे हैं? जब जितना यहां पे टेंडर लगता है जलापूर्ति विभाग का शिमला टाउन का, जो टेंडर जयराम जी की सरकार में 400 करोड़ को था, वही टेंडर 800 करोड़ में किसी दो कंपनीज को दिया जा रहा है।
क्या वो सरकार ये जो 1 करोड़ रुपया ये जो विधायक बोल रहे हैं कि 2 महीने के लिए हम नहीं लेंगे, 1 महीने तीसरे महीने ले लेंगे, अगर ये 1 करोड़ के बजाय उन टेंडरों में पारदर्शिता के अनुसार कंपटीशन करवाते तो शायद प्रदेश के 200-300 करोड़ रुपए बचते। तथ्य क्या है आपके पास? ये लेके आएंगे अभी सदन में लेके आएंगे और रखेंगे कि ये सब हुआ है, कई कुछ हुआ है और वो सदन के बीच में रखेंगे। और केंद्रीय एजेंसियों का जब हिमाचल प्रदेश में छापे पड़ रहे थे, हमीरपुर में भी छापा पड़ा, तो सारे लोग ये कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली प्रेरित है, राजनीति से। महोदय ने आज सदन में कहा जब जयराम जी के जो वहां पे ड्रोन के बारे में बात आई कि ईडी और सीबीआई क्यों नहीं अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं, वहां भी तो रेड पड़ी है ईडी की, और किसके ऊपर पड़ी है उसके ऊपर क्यों नहीं टिप्पणी देते हैं। मैंने अपने फेसबुक पे लाइव करके ये बात उस समय समक्ष रखी थी कि जब आपदा आई और आपदा में अवसर ढूंढा गया तो केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबियों को उनको उनके पेट भरने के लिए और पूरे के पूरे माइनिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया गया केवल और केवल अपने सगे भाई को संरक्षण देने के लिए, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं ये? अब ये इसको रखेंगे बीच में, इनको जवाब देना चाहिए ईडी का। अगर ईडी वहां पे गई है तो केंद्रीय एजेंसी को विधायकों के बोलने पे या नेता प्रतिपक्ष के बोलने पे नहीं आई, केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है। जैसे ये बोल रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं अपनी इनकी इनकी एजेंसी काम कर रही है, तो मैं तो ये सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो यहां पे पैसे की लूट हो रही है पूरे प्रदेश में, आज हिमकेयर कार्ड बंद है, किसी गरीब व्यक्ति की सहारा पेंशन बंद है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं जिनको 100 रुपए से पास बनता था वो 200 रुपए कर दिया है, पुलिस विभाग के कर्मचारियों से 500 रुपए काटे जा रहे हैं, शायद ये सब पैसा जो है वो बच जाता। और देखिए कुछ दिन पहले आपकी और सुधीर शर्मा की एक ईडी कार्यालय के बाहर तस्वीर वायरल हो रही थी, उस तस्वीर का सच क्या है? क्योंकि उस समय प्रदेश में चर्चा ये हो रही थी कि ये 2 नेता हैं जो ईडी को आह्वान दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में आने के लिए। देखिए ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दिल्ली गए हुए थे लेकिन हम अपने कार्य के लिए गए थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो भी है अपनी एजेंसी जो है वो अपना कार्य कर रही है। और देखिए लखनपाल जी मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने तक जो मंत्री हैं सीपीएस हैं वो अपनी सैलरी नहीं लेंगे, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए सरासर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है और बेवकूफ बनाने वाला काम है। पिछले 2 साल से सरकार जो है उसे समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है, दिशाहीन सरकार है, बिना वजह की नई नई योजनाएं बना रहे हैं जो जनता के गले नहीं उतर रही है, और सरकार में अधिकारी भी पशुपेश में कि हम करें तो करें क्या। अभी उन्होंने कहा कि हम 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, उनके कैबिनेट मंत्री विधायक और जो चेयरमैन है जो भी उन्होंने बना रखा अपना कुनबा, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ 2 महीने के बाद वो फिर सारे पैसे ले लेंगे, तो फिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है मुख्यमंत्री महोदय के पास कि 2 महीने में इतना सारा प्रदेश में पैसा आ जाएगा कि माला माल हो जाएगा प्रदेश। आपने झूठी गारंटियां दी, उस समय आपने क्यों नहीं सोचा कि प्रदेश की माली हालत क्या है, कि हम ये गारंटियां दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? आज उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, हर क्षेत्र में जो है जनता परेशान है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे वो आपके मनरेगा के मजदूर हैं जिनको 6-6, 8-8 महीने 7 साल तक जो उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनकी देनदारियां नहीं मिल रही हैं, बीडीसी के हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको 6-6 महीने से पैसा नहीं मिल रहा, उनके एक साल से अभी तक उनका जो पैसा एलोकेट होता है डेवलपमेंट के लिए वो पैसा रिलीज नहीं हुआ, कार्यालयों में बीडीओ नहीं है, एसबीपीओ नहीं है, पंचायत इंस्पेक्टर नहीं है, पटवारी पूरे नहीं है, टेक्निकल असिस्टेंट पूरे नहीं है, ग्राम रोजगार सेवक पूरे नहीं है, हालत खराब है, डिप्रेशन में है, और इवन कि यही नहीं है आपका पत्रकार समाज डिप्रेशन में है कि हो क्या रहा है, ये खबर छापनी है, वो नहीं छापनी है, इसको बोलना है, उसको नहीं बोलना है, इस तरह के जो व्यवहार जो है ये एक तानाशाही का जो एक रवैया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना रखा है, इसको इनको गंभीर खमियाजा जो भुगतना पड़ेगा। जी एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि सरकार द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, घंटों पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है, दोष सरकार को देंगे या दोष अफसरों को देंगे? देखिए मैं जो वो पूछताछ करना चाहते हैं मेरा दायित्व बनता है, विधायक से पहले नागरिक हूं एक, और जो पूछेंगे उसका जवाब दिया भी है, आगे भी समय में दिया जाएगा। प्रताड़ित ये जितना करना चाहें ये करें, हम ना पहले डरे हैं ना आज डरते हैं, उस ईश्वर की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से चुन के यहाँ पे आए हैं, कोई मुख्यमंत्री महोदय ने आशीर्वाद नहीं दिया कि यहाँ पहुंचने के लिए, लोगों ने आशीर्वाद दिया है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमीरपुर की जनता ने जिताकर भेजा है, तो जो भी ये करना चाहें ये करें, समय बड़ा बलवान होता है, ये जो करना चाहें, समय आज इनका है, कल किसी और का आएगा, परसों किसी और का आएगा, ये चीजें जो हैं उन अफसरों को भी अधिकारियों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि समय बहुत बलवान होता है और समय जब बदलता है, हम लोगों ने तो ये प्रताड़ना सह ली लेकिन क्या आप और आपके परिवार इन चीजों को झेल पाएंगे, ये भी आपको समझना चाहिए।